हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। घटना कोतवाली कृष्णा नगर के दामोदर नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के दो गुटों में काफी समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद में मौका मिलते ही एक गुट के अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 32 वर्षीय शिशिर त्रिपाठी की रंजिश में हत्या। ईंट पत्थर और पटरियों से कूच कर उतारा अधिवक्ता को मौत के घाट। हत्याकांड में मोनू तिवारी, अधिवक्ता विनायक ठाकुर समेत 2 से 3 अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने देर रात अधिवक्ता शिशिर हत्याकांड के बाद विनायक ठाकुर को भी किया गिरफ्तार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। साथ ही मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर विनय ठाकुर नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये हमारे मोहल्ले के एक लड़का जो है वो ऑटो चलाता है, वो रात में खबर लेके आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तब मुझे मालूम हुआ, फिर हमने अपने जो उससे बड़ा लड़का है उसको तुरंत भेजा। आईजी और एसएसपी ने उनको बुलाया और कहा आप लोग थाने आइए। थाने में फिर बोले कि आप जिस पे आपको डाउट है आप रिपोर्ट करिए। इसकी एक मोनू तिवारी नाम का जो व्यक्ति है जो गांजे का व्यापार वहाँ कर रहा था मुरदैया में, बैकुंठ धाम के पास, उससे रंजिश चल रही थी। वो गांजे का व्यापार करता था और ये उस गांजे उस क्षेत्र को गांजा मुक्त करना चाहता था और ये उसी पे वो रंजिश मान रहा था। उसने कई बार इनको धमकी दी जान से मारा और कल इनको बुलाया है और फिर इनके ऊपर हमला कर दिया गया धारदार हथियार से और हत्या कर दी। अन्य लोगों की तलाश के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में बड़ी संख्या में वकीलों का जमावड़ा लगा रहा। मौके पर भारी तादाद में पुलिस भी लगाई गई। वकील शिशिर त्रिपाठी हत्याकांड में भारी तादाद में वकील कोर्ट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में डीएम का कोर्ट रूम है। शिशिर का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे वकील के भारी बवाल से शहर में लगा भीषण जाम। कलेक्ट्रेट का रास्ता बंद करने से लगा भीषण जाम। हजरतगंज सहारागंज रोड शहीद स्मारक पर भीषण जाम। अधिवक्ता कर रहे कलेक्ट्रेट में भारी बवाल। कल रात लगभग 11:30 बजे शिशिर त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने दामोदर नगर थाना कृष्णा नगर में उनकी हत्या कर दी। ये पैसे से अधिवक्ता हैं और इनकी तहरीर पर FIR पंजीकृत हुई 5 लोगों के खिलाफ और हमारी टीमों ने लगभग 45 लोकेशन पे हम लोगों ने रात भर रेड किया है। एक अभियुक्त हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है, मेन अभियुक्त है, और बाकी के 4 अभियुक्त जो बचे हैं अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और हम लोग शाम तक अभी उनमें से भी गिरफ्तारी। ये इनके जो नाराजगी थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा जो मोर्चरी पे भी आक्रोश व्यक्त किया गया, उनको समझा बुझा के हटा दिया गया है। अभी बॉडी जा रही है इनके घर पे इन्वेस्टिगेशन के बाद। सर, कृष्णा नगर इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया है इस पूरे मामले में? हाँ, अभी देखा गया है और वो कुछ उनकी कमियाँ पाई गई हैं। वैसे वो बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है लेकिन अभी कुछ कमियाँ तात्कालिक पाई गई हैं, इस आधार पर उनको निलंबित किया। वकील शिशिर त्रिपाठी हत्याकांड में इंस्पेक्टर कृष्णा नगर प्रदीप कुमार सिंह को लखनऊ SSP कलानिधि नैथानी ने किया सस्पेंड। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव पहुंचे कलेक्ट्रेट। और जो भी दोषी हैं, जी सर, चाहे पुलिस कर्मी हो कोई भी हो, उनको तुरंत दंडित किया जाए और कम से कम 50 लाख। शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी लोग हो उनको सख्त कर कार्रवाई हो और सरकार से मांग है कि मृतक वकील शिशिर त्रिपाठी के परिजन को 50 लाख मुआवजा दिया जाए। Time24 न्यूज के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।